आम आदमी पार्टी के एक आम नेता राघव चड्ढा बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ स्पॉट किए गए और एक बार नहीं दो बार दिखाई दिए। और ख़ास बात यह है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो वीडियो सामने आई हैं उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि वो पोज नहीं देना चाह रहे थे, मतलब कि वो पोज खुद ही देना चाह रहे थे। शायद इस खबर को मार्केट में लाना चाह रहे थे कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बीच कुछ चल रहा है। अब इसी बीच खबरें ये सामने आ रही हैं कि क्या राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा के साथ शादी करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब किस तरह से दिया राघव चड्ढा ने, ये आपको बताते चलें। दरअसल आज कई पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा और सभी मीडिया वालों को एक ही जवाब देते हुए राघव चड्ढा नजर आए कि मुझसे राजनीति पर सवाल पूछिए, परिणीति पर मत पूछिए। मतलब एक राजनेता कभी शादी के बंधन में नहीं बन सकते, वो कभी अफेयर नहीं कर सकते, या फिर ये पर्टिकुलरली आपके लिए है कि आप शायद शादी नहीं कर सकते या नहीं करेंगे या कहना नहीं चाहते। बहुत से सवाल दिमाग में आते हैं। इसी बीच आपको बता दें, जब राजनीति में कोई नई पार्टी आती है तो उसमें बहुत से ऐसे नेता हैं जो शादी भी करते हैं, घर भी बसाते हैं, दूसरी शादी भी करते हैं। जैसे भगवंत मान ने दूसरी शादी की, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला शुभ काम भगवंत मान जी ने यही किया। अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब के एक और बड़े नेता हैं जो कि पंजाब की एक एसपी से शादी करने जा रहे हैं और उनकी मुलाकात अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान हुई थी। तो ऐसे में राघव चड्ढा क्या कहना चाहते हैं कि हम मीठा भी खाएंगे और गुड़ से परहेज करेंगे, यानी कि ये बताना भी है कि वो परिणीति चोपड़ा के साथ हैं और कोई जवाब भी मीडिया को नहीं देना है। साथ साथ ये भी कह देना है कि जब कुछ ऐसा होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। दो चीज़ें इस पूरे सिनेरियो में समझिए कि ये वीडियो लीक नहीं हुई है। अगर मीडिया ये समझ रहा है कि मीडिया ने उन्हें कहीं पकड़ लिया या अचानक फ़ोटो ले ली या वीडियो ले ली, तो ये गलतफहमी है, क्योंकि ये प्री प्लान्ड है। राघव चड्ढा ने और परिणीति चोपड़ा ने खुद सामने आकर अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियो शेयर की हैं। और ख़ास बात यह है कि जब दूसरी वीडियो सामने आई है उसमें राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा निकलते हैं जल्दी जल्दी और मीडिया से जस्ट 5 कदम की दूरी पर जाके खड़े हो जाते हैं, जहां सभी पेपराज़ीज़ खड़े होते हैं, और फिर रुकते हैं और फिर तसल्ली से 2 नहीं 3 नहीं पूरे 5 पोज देते हैं और फिर कहते हैं चलो अब चलते हैं। और जब मीडिया सवाल पूछती है सुबह पार्लियामेंट के बाहर कि राघव जी परिणीति पर आपका क्या कहना है, तो राघव चड्ढा कहते हैं कि मुझसे राजनीति पर सवाल पूछिए, परिणीति पर नहीं। तो एक राजनीति पर सवाल पूछते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता जल्द ही घोड़ी चढ़ने वाला है। इस सवाल का जवाब क्या लगता है आपको, क्या राघव चड्ढा दे पाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।